हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करना है या फैक्टराइजेशन से करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करना है। इट इज़ योर चॉइस, आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 3। Therefore, x square minus 1, which is equal to 3x. हम कह सकते हैं इसको x square minus 3x minus 1, which is equal to 0. अब इसको फैक्टराइज करना है, कंपेयर विद बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हम इसको कंपेयर करते हैं। देन a की वैल्यू आपकी आ गई 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब देखिए माइनस b की वैल्यू है माइनस 3, माइनस 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन 9 माइनस 4, ए की वैल्यू हमारी 1, सी की वैल्यू है माइनस 1, देयरफॉर 2 इंटू 1। देन एक्स इज इक्वल टू मिला 3 प्लस माइनस, को सिंप्लीफाई करते हैं 9 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। इज आर रूट्स, रूट्स कितने हो गए हमारे, रूट्स आर 3 प्लस रूट 13 बाई 2 एंड 13 माइनस रूट 13 बाई 2। ओके, सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका। क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 एंड 7। माइनस 4 और 7 के बराबर अगर ये होगा तो ये कंडीशन नॉट डिफाइन हो जाएगी। ओके, इनको छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज x के लिए सेटिस्फाई करेंगे। सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ओके, ऊपर सॉल्व किया आपने तो देखिए x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, इसे आप फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 विच इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। माइनस x से x कैंसिल आउट हो गया आपका, क्या बचता है माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 विच इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। नेगेटिव को तो ले जाइए, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, 30 में से 28 माइनस किया 2 बचेगा। x स्क्वायर इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं और हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसमें मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 2x माइनस एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टू टर्म्स में से और सेकेंड टू टर्म में से कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया x माइनस 2, नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 2 x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और 2। रूट्स हो गए हमारे। ओके, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है हमारा, आपकी स्क्रीन पर है, रीड करते हैं। द सम ऑफ reciprocal of Rehan's age in year 3 year ago and 5 year from now
इज 1/3. फाइंड द प्रेजेंट एज. क्या है क्वेश्चन? रहमान की आज से 3 साल पहले की जो एज है और 5 साल बाद जो एज होगी उसके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, तो रहमान की प्रेजेंट एज बतानी है. ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज से 3 साल पहले जो एज है और आज के 5 साल बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल का सम 1/3 है. यानी आज से 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल 1/(x-3) हो गया. आफ्टर 3 ईयर x+5 इज इक्वल टू 1/3. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x+5 + x-3 x+5 विच इज इक्वल टू 1/3. यहाँ हो गया 2x+2 अपॉन, उसको ओपन कर लेते हैं, x² + 2x-15 विच इज इक्वल टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन 6x+6 विच इज इक्वल टू x² + 2x-15. देयरफॉर राइट साइड ले जाते हैं इस पूरे पार्ट को, 6x+6 को राइट साइड ले जाते हैं, देन x² + 2x-15 - 6x - 6 इज इक्वल टू 0. ओके, अब देखिए x² - 6x - 4x - 21 विच इज इक्वल टू 0. ओके, फैक्टराइज करना है. x² - 7x + 3x - 27 विच इज इक्वल टू 0. ओके, फर्स्ट टू पार्ट से कॉमन लेते हैं, लास्ट टू पार्ट से तो कॉमन लेते हैं, देन x - 7 3x - 7 विच इज इक्वल टू 0. देखिए कितना आ गया, x - 7 एंड x+3 विच इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x = 7 एंड x = -3 रिजेक्टेड. मीन कभी एज कभी नेगेटिव नहीं होती, देन इट इज रिजेक्टेड. तो रहमान प्रेजेंट एज कितनी हो गई, रहमान प्रेजेंट एज होगी 7 ईयर ओल्ड. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. फाइंड हर मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट. क्या कह रहा है कि शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो सम है वो 30 है. हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं और इंग्लिश के अंदर उसको 3 मार्क्स कम मिलते हैं, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो 210 के बराबर है. तो दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स क्या होंगे. लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन मैथ बी एक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश बी 30 - x, कि दोनों का सम हमारा 30 है. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर शेफाली को मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाएं तो कितने हो गए, x+2 मार्क्स हो गए, और इंग्लिश के अंदर 3 मार्क्स लेस मिल जाएं तो उसका प्रोडक्ट 210 के बराबर है. ओके, देयरफॉर हम कह सकते हैं x+2 देयरफॉर 27 - x विच इज इक्वल टू 210. 27x ब्रैकेट ओपन करते हैं, 27x 54 - x² - 2x विच इज इक्वल टू 210. लेफ्ट लेके चलते हैं तो -x² - 2x और ये हो गया आपके प्लस के 25x. (54 - 210) विच इज इक्वल टू 0. देन -x² + 25x माइनस का सेपरेट करते हैं, 210 में से 54 को सेपरेट कर 156 विच इज इक्वल टू 0. इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 25x + 156 इज इक्वल टू 0. अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं,
इसको सॉल्व करने के आप फैक्टराइजेशन मेथड से करें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करें, जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसे कर सकते हैं। अगर मेंशन होगा कि फैक्टराइजेशन से करना है तो फैक्टराइजेशन से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, तो आपको वही मेथड यूज़ करना है। कोई मेंशन नहीं है जिसे सॉल्व करना है, यू आर इंडिपेंडेंट। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है फैक्टराइजेशन से करना। देयरफॉर 12x माइनस 13x हो जाएंगे प्लस 156। ये आपको सिखाया जा चुका है, हर बार हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे चीज़ों को। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस 12, माइनस के 13 कॉमन लीजिए, x माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 0, देन x माइनस 12 x माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 12 एंड 13, यानी मैथमेटिक्स में या 12 मार्क्स होंगे या 13 होंगे, तो इंग्लिश में कितने होंगे? तो दो केस बनते हैं, इफ़ x इज इक्वल मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इफ मैथ्स में अगर आपके 12 हैं देन इंग्लिश में आपके कितने होंगे? 18। इफ़ मैथमेटिक्स में आपके 13 मार्क्स अगर आते हैं शेफाली के, तो इंग्लिश में आप इनके आ जाएंगे 17 मार्क्स। ओके, दोनों क्वेश्चन आपका 30 के बराबर है, दो केसेस हमारे बनते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, 6th क्वेश्चन है हमारा, रीड करते हैं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, सपोज इट इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसकी शॉर्टेस्ट साइड, इसकी डायगोनल की जो लेंथ है, शॉर्टेस्ट साइड से 60 ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट साइड इसकी 30 ज़्यादा है शॉर्टेस्ट से। सपोज एक्स भी शॉर्टेस्ट साइड, इट इज 60 प्लस एक्स, दिस इज 30 प्लस एक्स। तो डायमेंशन पूछ रहा है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो दिस इज राइट ट्राइंगल बन गया आपका। ओके, इतने लेट शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, इसको हम नेम ही करते हैं ए बी सी कह देता हूँ उसको मैं, तो ए सी का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए ए सी हमारा कितना है, 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बी सी कितना हमारा, 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए बी कितना है हमारा, 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बी सी कितना हमारा, एक्स देन एक्स का स्क्वायर, 600 प्लस एक्स स्क्वायर 120x। यहाँ सॉल्व करते हैं, 900 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट साइड लेके चलते हैं, तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बचता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 3600 माइनस 120x विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे रहा, 60x और माइनस 120x कितना हुआ, माइनस 60x। ओके, 900 माइनस 3600 मीन माइनस 2700 विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, देन एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि पेयर बनाएंगे, 2700 का पेयर बनाएंगे कि आपको मल्टी ऐड करने पर, सेपरेट करने में माइनस 60 मिले, ठीक। देयरफॉर माइनस 90x प्लस 30x, 9327 होते हैं, तो 30 इंटू 90 हमका 2700 मिल जाएगा, एंड इसको ऐड कर देते तो माइनस 60 मिल जाएगा, 2700। फर्स्ट टू पार्ट से x कॉमन है, x माइनस 90, नेक्स्ट टू पार्ट से आपका 30 कॉमन है, x माइनस 90 ऑब्वियसली, ठीक है, देयरफॉर x माइनस 90 होल एक्सप्रेशन से कॉमन लिया, x प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए, देयरफॉर x की वैल्यू अब तो 90 आ गई एंड माइनस 30 रिजेक्टेड, बिकॉज लेंथ जो होती कभी नेगेटिव में नहीं होती। ओके, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। तो अगर हमारी शॉर्टेस्ट साइड हमारी कितनी है, x है, देखो शॉर्टेस्ट साइड हमारी कितनी है, 90 मीटर है, लॉन्गेस्ट साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 30 ज़्यादा थी, देन 120 मीटर। ओके,